पति डालने वाले लोग बस कर बैठे तो आपको ये नहीं होना वो नहीं होना ये क्या बोला मैंने पूछा भाई क्या कैसे क्या है शोर भाई पास से आता है बस क्या नहीं था नितिन दबाड़े तो कर टोकन क्रमांक पांच टोकन क्रमांक पांच चार सर्वाक्षरती जाए सहा अर्ज आए थे टोकन क्रमांक पांच टोकन क्रमांक सहा ने सुद्धा मी कृष्णा बनकर माजी नगरसेवक 2005 सुद्धा नंदलाल कुमार यांनी या वार्डामध्ये फेरबदल केला होता भीमनगर भावशिंपुरा वार्डामध्ये बेगमपुरा वार्ड टाकण्यात आला होता त्यावेळेस सुद्धा मी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं आणि त्या ऑब्जेक्शनला त्यांनी प्रत्युत्तर देऊन तो वार्ड रद्द करून जसं तसं वार्ड केला होता यावेळेस सुद्धा भीमनगर भावशिंपुरा जो वार्ड आहे त्या वार्डामध्ये दोन वार्डमध्ये काही मतदार जे 9 नंबर मध्ये टाकले त्यांनी आणि काही मतदार जे तर बेगमपुऱ्यामध्ये वार्ड क्रमांक 5 च्या शेजारी नेऊन टाकून दिले तर सीमा हद्दी नाले नदी वाड वाल फोर्ट हे सगळं जुगारून त्यांनी चुकीचं दाखवून त्या ठिकाणी वार्ड बनवला होता मी आत्ताच इलेक्शन कमिशनर साहेबाला भेटून सांगितलं विनंती केली त्यांनी सांगितलं की ज्याप्रमाणे 2015 वार्ड होता 2010 होता त्याचप्रमाणे आम्ही वार्डची सीमा बदलून टाकू आमच्याकडून चुका झाल्या आहे आम्ही चुका 100% दुरुस्त करू त्यामुळे मी आज जे ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे मला असं वाटतं की इलेक्शन कमिशनर आमच्या म्हणण्याला जे आहे तर 100% मान्यता देतील व जसाचा तसा वार्ड 2015 आणि 2010 होता त्याचप्रमाणे सीमामध्ये काहीही बदल न करता तसाच वार्ड ठेवण्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि जर तसा वार्ड ठेवला नाही तर आम्ही पुढे कोर्टामध्ये जाऊन पुन्हा आम्ही संपूर्ण वार्ड रचनेवर ऑब्जेक्शन घेणार आहे जय भीम जय महाराष्ट्र वार्ड क्रमांक सहा नाव काय त्या वार्ड क्रमांक सहा भीमनगर देखिए आज जो यहाँ पे सजेशन और ऑब्जेक्शन के लिए सारे शहर के वार्डों के इन्होंने मंगाए हैं तो आज उसकी हेयरिंग ले रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका की तरफ से एक चॉकलेट की दुकान खोली गई है जितने लोगों ने यहाँ पे सजेशन और ऑब्जेक्शन डाले हैं अपने तो वो एक किसी को पूरी बोलते हैं ना गिराक देख के पूरी बांधना अगर कोई अच्छे से उनको आर्गूमेंट कर रहा है तो उनकी सिर्फ सुन के ले रहे हैं और बाकी अगर कोई बेचारा सीधा साधा इंसान आ रहा है तो उसको चॉकलेट दे रहे हैं तो ये महानगर पालिका जो है ये ऐसे लोगों के हाथ में जा चुकी है मैं समझता हूँ कि जो अपने मर्जी से काम करते हैं और इसके अंदर कानून का खुला खुला उल्लंघन हुआ कई सारी नेचुरल बाउंड्रीज नाले और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको खुला खुला लिखा गया है कि उसको उंगाल के आप दूसरे वार्ड में नहीं जा सकते लेकिन इन्होंने कर दिया है और करने के बाद में जैसा हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट भी बोलती है कि हमको ये अच्छा लग रहा हम ये करेंगे संविधान बाजू में तो वो हिसाब से यहाँ पे महानगर पालिका का भी कारोबार चल रहा है और मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा उम्मीद है और आशा हमारे को बिल्कुल भी नहीं है एक माइनर बहुत चेंजेस करेंगे ये वो भी किसके फिर भी इसके अंदर जो सत्ताधारी पक्ष है उनके जो बड़े बड़े लीडर रहेंगे उनके मर्जी के हिसाब से थोड़े बहुत माइनर चेंज करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे तो आपका अगर समझिए ऑब्जेक्शन इन्होंने जो तो नहीं लिया और आपके मुतमिन नहीं किए तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा देखिए इसके बाद में मैं समझता हूँ कि इसका रास्ता कोर्ट होता है
लेकिन कोर्ट में जाने के टाइम तक मैं समझता हूँ कि यहाँ इलेक्शन लग चुका होगा, लेकिन फिर भी इनको हम कोर्ट में तारीख लगाएंगे और इनका पीछा छोड़ेंगे नहीं। आपका नाम? नासिर सिद्दीकी, नगर सेवक, वार्ड नंबर 25। इलेक्शन था, आयोग को आपने क्या बताया और आयोग ने आपको क्या आश्वासन? आयोग के पास हमने हमारी बात रखी, हम वार्ड नंबर 69 उस्मानपुरा से है। कई सालों से जो है तो हमारी जो शाहवाणी और उस्मानपुरा पीर बाजार विभाग जो हमारे अंदर था, ये जो है तो दूसरे वार्डों में जाने की वजह से जो है तो इसका विकास 10 सालों से रुका हुआ है। कि वो दोनों नगर सेवकों के बीच में आने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के लोग विकास से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये बार बहुत ज़्यादा लोगों की ये मांगनी थी कि ये ऑब्जेक्शन उठाए और जैसा हमारी चतुर सीमा जैसी बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री है हमारी वैसी फिर से कर दी जाए, क्योंकि नेचुरल बाउंड्री ना करते हुए ज़बरदस्ती बीच में से इन्होंने गली गली में से 2 वोट घर के इधर हो गए और 5 वोट इधर हो गए। इन्होंने इस तरीके से जो है तो ये वोट वार्ड को काटा गया। हालांकि ये जो है तो जीआर के अंदर भी है कि वो रोड के जो तो जीबी रोड को क्रॉस करके वो नहीं कर सकते जी, और नाले को भी क्रॉस नहीं कर सकते। आयोग ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने देखे कि भाई भी उन्होंने ऐसा कुछ आश्वासन ऐसा कुछ खास तो उनका रिप्लाई लगा नहीं। अगर इसके ऊपर कुछ निर्णय नहीं हुआ तो हम जो है तो कोर्ट में जाने की भी तैयारी पूरी पूरी तरीके से है हमारी जी। में जो नगर रचना की गई है, इसकी वार्डों की जो रचना की गई है वो एकदम गलत तरीके से की गई है। उसके वास्ते जो आज महानगर पालिका की तरफ से जो उसका आक्षेप रखा गया था, जिसमें आज तकरीबन 500 तक उसमें ऑब्जेक्शन आए हुए हैं, और मेरा पर्सनल ऐसा इसमें जो मेरा वार्ड था पर्सनल, इसमें वो वार्ड के 4 हिस्से किए गए हैं जो नेशनल बाउंड्री को कहीं भी मैच ना होते हुए, जैसा अपना मिसाल के तौर पर जैसा दिल्ली गेट का तालाब है, रोजाबाग का वार्ड दिल्ली गेट का तालाब पूरा क्रॉस करके 100 फीट का पूरा रोड क्रॉस करके उसको रोजाबाग में डाला गया है। तो हमारा बोलना था उसको भाई वो वार्ड को दिल्ली गेट तक बाउंड्री बनाओ, उसकी अन्ना भाव साठे चौक जो है वहाँ तक उसकी बाउंड्री बना के वानखेड़े नगर तक लो। एक वो हमारा ऑब्जेक्शन था। दूसरा ये ऑब्जेक्शन था कि लोटा खारंजा और हर्षनगर जो वार्ड है, जो दोनों तकरीबन 80% जो वार्ड है वो चेलीपुरा और उसका नाम दिया गया विश्वास नगर, जबकि वो दोनों का हिस्सा जो है 30% है जो लोटा खारंजा, जिसकी वजह से लोटा खारंजा कहा जाता है उसको, वो वार्ड का नाम लोटा खारंजा ना देते हुए चेलीपुरा हर्षनगर दिया गया, जबकि वो वार्ड वैसा बनता ही नहीं, वो वार्ड लोटा खारंजा गलत तरीके से बनाया गया है, हमारा ऐसा बोलना था। अब उसमें जो इलेक्शन के ऑफिसर के जो लोग आए हुए हैं उन्होंने हमारी पूरी बात इत्मीनान से सुनी और उन्होंने उसमें उनको बताया कि जहाँ गलती है उसमें करेक्शन किया जाए। बोलता आपने जो आक्षेप किया उसे मान लिया गया है कि क्या लगता है? सब तो नहीं माना उन्होंने, जहाँ नेचुरल बाउंड्री जहाँ नहीं मिल रही थी उसको उन्होंने बताया कि मैं जैसा दिल्लीगढ़ का तालाब छोड़ आगे लाके टोकन क्रमांक 12 रोड क्रॉस करके मैच बाग में डाला गया। टोकन क्रमांक 12 उन्होंने वर्ती जवान प्रतीक्षा करें चाहिए। बोलना था कि अब दिल्ली गेट तक ये वार्ड को दिल्ली गेट से वानखेड़े नगर तक जो हमारा था उन्होंने ऐसा आदेश 7 अर्जदार है टोकन क्रमांक 12 के 12 नंबर वार्ड आरएफ कॉलोनी, उसमें हमारे वार्ड के 550 वोट उधर डाल दिए गए हैं, जबकि भौरे की जो कॉलोनी है वहाँ पर एक सुरक्षित भीत है उस वार्ड की 12 नंबर की। उसके बाद में फिर नदी हमारा वहाँ पे एक ऐतिहासिक भीत है, उसके बाद में 200 फीट के बीच में नदी है, फिर उसके बाद में कॉरपोरेशन से मैंने सुरक्षित भीत बनाया है जयसिंहपुरा के लिए, उसके इधर के वोट 550 नंबर में डाल दिए गए। तो मैंने बोला साहब अब ये इतना उंगाल के आ रहे हैं सब ऐतिहासिक भीत पूरी 200 फीट की नदी, तो ये वोटों को क्या हेलीकॉप्टर से ले जाके उधर वोटिंग कराएंगे या जीसीपी से उठाकर लेके जाएंगे? ये तो होता ही नहीं। और इलेक्शन कमिश्नर की जो गाइडलाइंस है 4.6 और 4.7, 4.6 बड़ी नदी बड़े नाले उंगाल कर इधर के वोट उधर नहीं जा सकते वो हमने बताया, और 4.7 जैसे कि गलियां 8-10 गलियां उंगाल के उधर नहीं जा सकते हैं, तो उनके समझ में आया। उन्होंने जो बेगमपुरा के जो वोट इधर आए थे 1500-1600 उसको भी निकालने का आदेश दिया। वार्ड ऑफिसर को बोला, टाउन प्लानिंग के ए बी देशमुख को बोला कि इनका करेक्शन करके दो, और करेक्शन को करना ही पड़ेगा। और हमने ये बोला कि शहर में पूरे ही वार्डों को, अभी उधर के 3 वार्ड सतारा देवलाई के बढ़ाना है तो उसमें शहर के 3 वार्ड गायब कर दिया इन्होंने, और शहर में 81 वार्डों में इन्होंने बिल्कुल तोड़फोड़ किया।
और तोड़फोड़ करने के बाद में लोगों ने कंप्लेन भी किया कि हमारे वार्ड गए कहाँ। उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उन्होंने डायरेक्शन दिया टाउन प्लानिंग को और वार्ड के डिप्टी को कि इनके वार्ड करेक्शन करके दो। और अनेक वार्डों में जो घपला इन्होंने किया, मैंने सारे शहर का बताया उनको, तो इन्होंने तो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल निर्णय लिया और निर्णय दिया कि हमारे को वार्ड नंबर जयसिंहपुरा को न्याय दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आमच्या वार्डाचे नगरसेवक रूपचंद भांबरे यांनी आयोगाकडे एक आक्षेप दाखल केलेला होता, त्यानुषंगाने आज एक नंबरचा आक्षेपचा क्रमांक आमचा आक्षेपधारकांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया आपली उपस्थिती नोंदवावी। सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा होता का जाणीवपूर्वक काही लोकांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे आयोगाचे जे रूल्स रेग्युलेशन होते ते इथल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी ते फॉलो केलेले नाहीये। ज्या आक्षेपधारकांनी आपली उपस्थिती नोंदवली आहे त्यांनी कृपया हक्काचे जवळचे त्यांच्या मताशी सहमत असलेले जाणीवपूर्वक ते लोक आले पाहिजे म्हणून हा सगळा त्यांनी खेळला। उपस्थितीच्या टेबलवरती अनावश्यक लोकांनी कृपया गर्दी करू नये। वार्ड क्रमांक 3 हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एसटी कॅटेगरीमध्ये बसू शकतच नव्हता आणि तो कसा बसू शकत नव्हता त्याचा आम्ही खुलासा त्यांना करून दिला। 2015 आमचा वार्ड हा 4 नंबर एसटीमध्ये होता आणि त्याची लोकसंख्या 780 होती, त्यातले 150 ते 250 दोन ब्लॉक तो काढून हा वार्ड नंबर 3 टाकण्यात आला, ज्याची काही गरज नसतात कारण की 2011 जनगणनेनुसार एका वार्डामध्ये लोकसंख्या 10,500 असणं गरजेची आहे, जी की 2015 आमच्या वार्डाची 10,500 जास्त होती आणि त्याच्यामध्ये बदल करायची गरज नसताना हा सगळा 80 वार्डामधला जो खेळ केलेला आहे तर फक्त 8-10 लोकांना पुन्हा महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक म्हणून आणण्यासाठी।